जो नियम है नियम सिखा रहे थे आपको, उनके कान से सुनते हैं क्या? मेरा कानून नहीं है क्या? हम बहिरा है क्या? है शराब बिक नहीं रहा है, चौराहा पर डांस नहीं हो रहा है। अरे चौराहा पर कौन डांस करेगा? उसी के बगल में लोग बैठ कर पीटा है, कर रहे कि चौराहा पर चाहिए, उनको चौराहा पर पकड़ने के लिए चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर के बहस शुरू हो गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। एक तरफ जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार में खुलेआम शराब बिक रहा है, घर में घुस कर गोली मार दी जाती है, अपराध बढ़ रहा है, तो क्या ऐसे में शराबबंदी कानून कितने हद तक सफल है? वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से भी जो विधायक है, विधान पार्षद है, वो भी अपनी बातों को रख रहे हैं। जो महिला विधान पार्षद है वो कह रही है कि नहीं, शराबबंदी ठीक है, गांव में जब हम घूम रहे हैं तो महिलाएं कह रही हैं कि हमारी जीवन बदली है। वहीं दूसरी ओर जो जितने कह सकें तो विपक्ष के नेता हैं वो सभी आरोप लगा रहे हैं कि आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस हो रही है। इस वीडियो में देखिए जब हमने उनसे बातचीत की है। ठीक है, एमएलसी सुबोध राय हैं जो इन दिनों सदन के भीतर काफ़ी डांट खा रहे हैं मुख्यमंत्री से। क्या बात है, क्यों चिड़चिड़ाते हैं उनको भाई? क्यों चिड़चिड़ाते हैं? घर में घुस के गोली मार देता है तो चिड़चिड़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? कहते सुशासन की सरकार है, अपराध का ग्राफ नीचे हुआ है, अब तो घर में घुस के गोली मारता है, अब तो DIG के हाथ चोरी होता है, अब तो IG के हाथ चोरी होता है, अब कहाँ है सुशासन की सरकार? कौन सी सुशासन की सरकार? केवल केवल कागजों पर सुशासन की सरकार है। सुनते नहीं है ठीक से, पहले सुनना सीखिए, पहले जो नियम है नियम सिखा रहे थे आपको। उनके कान से सुनते हैं क्या? मेरा कानून नहीं है क्या? हम बहिरा है क्या? है अभी 36 साल उम्र हुआ है तो कान उनका पतरा गया होगा, उनका कान का चदरा कमजोर हो गया होगा, हमारा नहीं। अरे भाई देखो, ऐसा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी विचार किए होंगे कि 50 वर्ष से ऊपर के आदमी को भाई कंपलसरी रिटायरमेंट देना चाहिए जो योग्य हैं, तो क्या इस लागू मंत्री पर नहीं होना चाहिए? नहीं, आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं? बहुत सिखाया जा रहा है आप लोगों को, रामायण पढ़ाया जा रहा है, अंदर सब कुछ। अरे भाई देखिए तो, क्या उन लोग पास कोई है इसका जवाब? कोई कहेगा कि शराब नहीं बिक रहा है? पूरे चारों ओर शराब बिक रहा है। कितना बिक रहा है? 1 करोड़ लीटर का शराब का यहाँ पर जब पकड़ा रहा है तो सोचिए खपत कितना हो रहा है। कि विपक्ष वाले लेते होंगे इसलिए उनको पता है। लेते तो उन्हीं लोग है ना, विपक्ष लेते तो धरते क्यों नहीं है भाई? आपको मतलब पुलिस मशीनरी फेल है तो धर के दिखाइए। हाँ हाँ धरिए ना भाई, आप क्या कर रहे हैं बैठ कर? जतरा पूछिएगा पंडित से, ग्रह दिखाइएगा कि भाई फलना डेट को जाकर रेड करना है। चौतरफा आपका चारों ओर बिक रहा है, सारे लड़के लड़कियों का अपने भविष्य बर्बाद कर दिया, और आप बात करते हैं कि शराब बिक नहीं रहा है, चौराहा पर डांस नहीं हो रहा है। अरे चौराहा पर कौन डांस करेगा? उसी के बगल में लोग बैठ कर पीटा है, कर रहे कि चौराहा पर चाहिए, उनको चौराहा पर पकड़ने के लिए चाहिए। शराब के बारे में, किडनैपिंग के बारे में, अपराध के बारे में जितना उन लोगों को गहन अध्ययन है और जितना जानकारी है और अनुभव है, उतना बिहार में किसी पार्टी के और किसी नेता को जानकारी नहीं है। इसलिए उनको ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी, हमारे पार्टी के लोगों को ऐसा काम किया नहीं, इसलिए हो सकता है कि कम जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लागू नहीं करा पा रहे शराबबंदी कानून लागू? पूरी तरह से कानून शराबबंदी पर सख्त है तभी पकड़े जा रहे हैं। और जो लोग यह कह रहे हैं कि शराब पकड़े नहीं जा रहे हैं, उनको कॉपरेट करना चाहिए अगर वो चाहते हैं। खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम उनके सामने, उनके चूंकि उन्हीं का संलिप्तता रहता होगा इसलिए उनके सामने खुलेआम नजर आता होगा। आपको खुलेआम कहीं नजर आया है? आप तो बहुत घूमते, हमको तो नजर नहीं आया है। तो जिसको खुलेआम नजर आता है इसका मतलब कि वही लोग इस कार्रवाई में लिप्त होंगे। हमको और आपको जनरल, हम लोग तो घूमते रहते हैं तो कहीं नजर नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि आजकल सदन के अंदर ज्ञान बहुत दे रहा है सत्ता पक्ष नेता, क्या हम अज्ञानी है क्या? इसमें कहने की क्या जरूरत है कि अज्ञानी है कि ज्ञानी है? वो तो अपने आप के बारे में जानते हैं कि कितना ज्ञान है, और वो तो पढ़े लिखे अधिक हैं, उनके नेता भी पढ़े लिखे अधिक हैं, विद्वान हैं, कबीर को भी फेल करने वाले हैं, वो तो बुद्धत्व प्राप्त है, इसलिए इसमें सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? वो तो जानते ही हैं कि उनको कितना आता है नहीं आता है। महिलाएं खुश हैं? हाँ जी महिलाएं खुश हैं, इसमें क्या दो बात है? फेल है महिलाएं? नहीं नहीं, विपक्ष को तो काम है विरोध करना, विरोध विरोध अच्छी बातों पर विरोध करते हैं उन लोग। तो गांव में घूमती है तो क्या महिलाएं तारीफ कर? हाँ, पूरे पूरी महिलाएं खुश है। हाँ अब उन लोग तो अब खुलेआम अब रोड पर अपने खुशी से चलती है सब, उसमें पैसा जितना दारू पीने में लोग लगा देते थे अपने बाल बच्चों को पढ़ाई में लगा रहे हैं।
अपना कपड़े लगता मार्केटिंग करने में लगा रही है, अपना आगे का भविष्य देख रही है। समाज बदला है थोड़ा, पूरा समाज बदल गया, कानून नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन अब तो विपक्ष नेता कह रहे हैं कि दाम बढ़ा के लेकिन बेचिए जरूर, दाम बढ़ा दीजिए सर आपका। लेकिन मैं आपको बताइए ना कि विरोधी का काम है विरोध करना, वो मेरा सपोर्ट कैसे करेंगे सरकार के, वो तो विरोधी है ना, तो विरोध ही करेंगे। हाँ, बहुत जरूरी रहना चाहिए। निश्चित तौर पे बिहार की हर एक महिला शराब बंदी कानून से बहुत खुश है, और मैं समझती हूँ कि जो समस्याएं शराब पीने के बाद उत्पन्न होती थी और जो महिलाएं इससे प्रताड़ित होती थी, चाहे वो घरेलू हिंसा का बात करें हम लोग, या सड़कों पे चल रही उन छात्राओं की बात करें जिन पे गलत गलत गंदी गंदी हफ्तियाँ खसी जाती थी और वो महिलाएं जो है नज़रें झुका करके चली जाती थी, आज वो परिवेश नहीं है। और मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी के दौरान किया। विपक्ष तो कह रहा है कि करोड़ लीटर शराब अभी बिहार में मिल रहा है, कहाँ शराबबंदी है? नीतीश कुमार का ये जो कानून है फेल है। निश्चित रूप से वो विपक्ष में है और विपक्ष की ये धारणा है कि हर एक बात में ही आलोचना करना है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिक्कत ये है कि वो दूसरे साइड हैं और वो हमारे साइड आ जाएंगे तो शायद उसको आलोचना नहीं करेंगे, इसको कहेंगे कि हाँ भाई शराबबंदी बोल आपके साइड आना चाह रहे हैं। अब ये तो वही बता सकते हैं। से तो क्या जेडी क्या चाह रहे हैं? देखिए, इन लोग को सत्ता का सुख चाहिए और सत्ता से बेदखल होने के बाद तो ये जो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, वो स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो जिन लोगों ने सदन में मिलजुल करके ये शपथ ग्रहण किया था कि हम ना शराब पियेंगे और ना शराब हम पीने देंगे, ना हम शराब बेचेंगे ना हम शराब बेचने देंगे, तो अगर आपके समझ में अगर ऐसी कोई भी बात है जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि शराब बिक रहा है, तो क्यों नहीं आप इन्फॉर्मेशन देते हैं? आप क्यों नहीं सहयोग करते हैं सरकार को जो है शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने में? शराबबंदी के लिए तो कानून हमारी सरकार ने कर दिया, लेकिन सहयोग तो सबका अपेक्षित है ना। तो आपने देखा कुछ बिहार विधान परिषद के सदस्यों से हमने बातचीत की है, कुछ आरोप लगा रहे हैं, कुछ नेता जो सत्ता पक्ष में है वो शराबबंदी कानून का तारीफ कर रहे हैं और सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। ऐसे में शराबबंदी कानून कितने हद तक सफल है बिहार में या नहीं है, ये तो जनता खूब जान रही है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। जो नियम है नियम सिखा रहे थे आपको, उनके कान से सुनते हैं क्या? मेरा कानून नहीं है क्या? हम बहिरा है क्या? है अभी 36 साल उम्र हुआ है तो कान उनका पतरा गया होगा, उनका कान का चदरा कमजोर हो गया होगा, हमारा नहीं। कि भाई फलना डेट को जाकर रेड करना है, चौतरफा आपका चारों ओर बिक रहा है, सारे लड़के लड़कियों का आपने भविष्य बर्बाद कर दिया और आप बात करते हैं कि शराब बिक नहीं रहा है, चौराहा पर डांस नहीं हो रहा है। अरे चौराहा पर कौन डांस करेगा? उसी के बगल में लोग बैठ कर पीता है, करें कि चौराहा पर चाहिए, उनको चौराहा पर पकड़ने के लिए चाहिए।